आज मिलिए आप करुणा शंकर से, यहां से शुरू करते हैं हम अपने बजट की कवरेज। करुणा शंकर किसान हैं, छोटे किसान हैं, छोटी जोत का आकार है उनके पास, जितना पैदा करते हैं उतना घर पर ही खाव कमा लेते थे। क्या उनकी गारंटी इस बार उनको इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद है? वो कह रहे हैं कि पिछले 5 बजटों से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी जितनी इस बजट से है। सोचिए, जबकि ये बजट है ही नहीं पूरा, फिर भी ऐसा क्यों है? पहले आप करुणा शंकर की ये बात सुनिए। करुणा शंकर अपने खेत में लगी गेहूं की फसल की बाली को हथेली से मसलकर दाने के आकार को परख रहे हैं। बीते 1 साल से बाजार में गेहूं के दाम ऊंचे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा करुणा शंकर को नहीं मिल पाता था। छोटी जोत के किसान है करुणा शंकर, परिवार के खाने भर को ही गेहूं खेत में हो पाता है, वो भी मॉनसून मेहरबान रहे तब। महंगी खाद, दवा, पानी, बिजली की लागत के बाद मॉनसून की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अभी राहत इसलिए है क्योंकि सरकार ने मुफ्त अनाज की गारंटी दे रखी है, तो 2 बीघा में जो 7-8 क्विंटल गेहूं हो जाता है उसे मंडी में बेच देते हैं, कुछ कमाई हो जाती है। करुणा शंकर को इस साल बजट का बेसब्री से इंतजार है। पूरी उम्मीद है कि उन्हें सरकार से नई गारंटी मिलेगी। इस बार बजट चुनावी होगा, यानी सरकार केवल मंशा बताएगी कि अगर सरकार वापस आए तो आपके लिए क्या करेंगे। जुलाई में नई सरकार लाएगी इस साल का पूरा बजट। लेकिन अपने खेत की मेड़ पर बैठकर करुणा शंकर पिछला चुनावी बजट इसलिए बिसुर रहे हैं क्योंकि उन्हें याद है कि 2019 का चुनावी बजट ही था जब सरकार ने किसानों को 6,000 रुपए की सीधी मदद देने का ऐलान किया था। ये पहला ऐसा मौका था जब सरकार ने सीधे पैसे हाथ में रखे थे। खाद सब्सिडी, बीमा, कर्ज माफी तो कैसे मिली, किसे मिली, इसकी सटीक नापजोक मुश्किल है, लेकिन किसान के खाते में सीधी मदद खुशियों की गारंटी है। करुणा शंकर को इस बार के बजट से 2 गारंटियां चाहिए। पहली, किसान सम्मान निधि के रास्ते सरकार कुछ सीधी मदद बढ़ा दे। चर्चा है कि सरकार महिला किसानों को सीधी मदद दे सकती है। दूसरा, मनरेगा का आवंटन बढ़े जिससे बेटा और बहू को ज्यादा काम मिल सके, यही नियमित आय का जरिया है। सरकार को इस साल भी अनुमान से ज्यादा बजट इस खाते में डालना पड़ा है। करुणा शंकर जैसे छोटे किसान बजट से गारंटियों की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो बड़े किसान कृषि पर सरकार कोई टैक्स ना लगा दे इस घोषणा को कान लगाकर सुनने को तैयार बैठे हैं। सर, ये करुणा शंकर जी जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे चुनावी बजट में सरकार ने 6,000 रुपए हमें दिए थे सीधी मदद, कुछ और मिल जाए, मिलना पॉसिबल है? सरकार की तरफ से संकेत है, ये बजट पहली चीज तो है कि बजट नहीं, अंतरिम बजट है, पर अंतरिम बजट के साथ सरकार का इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट भी है और इसके साथ सामने चुनाव खड़ा हुआ है। आमतौर पर अंतरिम बजट में सरकारें अपने घोषणाओं के लिए, चुनाव को प्रभावित करने वाले आश्वासनों के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, फिर इसके जो बजटीय प्रावधान हैं वो जब जुलाई में नई सरकार आती तब उसमें शामिल किए जाते हैं। कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहा है पिछले 3-4 साल में से, व्यवहारिक रूप से समझना जरूरी है। प्रत्यक्ष रूप से किसानों को लेकर कितनी भी बातें की जाती हों, लेकिन सरकार के खुद अपने किसी भी आंकड़े में एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बेहतरी नहीं दिखाई दी। कुछ आंकड़े ताजे पकड़िए, कुछ पुराने पकड़िए। ताजे आंकड़े पकड़िए कि जब भारत में 7.2% की आर्थिक विकास दर थी जिस तिमाही में, उस तिमाही में भारत में कृषि की विकास दर 2% से नीचे आ गई थी। इस साल सरकार ने जो पूरा आंकड़ा पूरे साल की आर्थिक विकास दर का दिया उसमें भी कृषि की आर्थिक विकास दर गिरी हुई है, रबी और खरीफ दोनों की फसलें सामान्य होने के बावजूद। दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा सरकार के आंकड़ों के पास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तस्वीर आपको हिंदुस्तान लीवर, कारपेंट, सीमेंट कंपनियों के नतीजों में दिखाई दे जाती, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी बात यह कि सामान्य रूप से महंगाई जो बढ़ी उसका असर कृषि उत्पादन की लागत पर भी पड़ा है कई तरह से, चाहे वो फ्यूल की महंगाई हो, कन्वेंस की महंगाई हो, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई हो, इसका असर ग्रामीण इलाकों में लागत पर दिखाई दे रहा है और खासतौर से खाद्य महंगाई ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा दिखाई दे रही। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण कृषि क्षेत्र बेहद अजीब परिस्थिति में है, जहाँ
फसलों की कीमतें तो बढ़ी हुई हैं, पर कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण इलाकों में कमाई, आय और खपत बढ़ने में उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसी सूरत में करुणा शंकर जैसे लोगों की उम्मीद जायज है कि नगद सहायता के तौर पर उन्हें कुछ और दिया जाना चाहिए। संकेत यह भी है कि शायद सरकार इस बार बजट में किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसकी की सहायता में जो तिमाही आधार पर है वो थोड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। तो प्रकृषि क्षेत्र के लिए पिछले 2 साल बेहद अच्छे नहीं रहे हैं, बल्कि कंपनियों को अपनी रणनीति भी अब ग्रामीण इलाकों को लेकर बदलनी पड़ी है। सर, करुणा शंकर की जो दूसरी गारंटी वो मांग रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मनरेगा का बजट थोड़ा ढंग से बढ़ दिया जाए जिससे कि बेटे को बहू को रोजगार मिल जाए। आपने बताया HUL के नंबर अच्छे नहीं है, तो ये तो पता चल गया आय पर वहां संकट है। क्या मनरेगा का बजट इस बार सरकार बढ़ाएगी, क्योंकि इस बार रखा जो था उससे बढ़ाना तो पड़ा ही। मनरेगा का बजट बढ़ाना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि पिछले साल सरकार को तो लग रहा था कि ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छी मांग आ गई है और शहरी इलाकों में काम शुरू हो गया, तो अब ग्रामीण इलाकों में मनरेगा की जरूरत नहीं होगी। बजट खत्म हो गया, जून में ही काफी हद तक खत्म हो गया था। पर मनरेगा का बजट बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं होता, क्योंकि मनरेगा यह बताती है कि रूरल एरिया में डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और अब जो स्थिति है उसमें मनरेगा को लेकर 30 दिन का काम भी साल में 32 दिन का काम भी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो यह बात तो तय है कि अंतरिम बजट में सरकार जो नया आवंटन लेगी वो मनरेगा के लिए लेगी, क्योंकि जो सरकार ने डिमांड फॉर ग्रांट्स या अनुदान मांगे, पूरक अनुदान मांगे पेश की थी, उनमें भी इस बात का प्रावधान किया था। तो ग्रामीण इलाकों में दोहरी रणनीति इस बजट में दिखाई दे सकती है। शुभम एक, मनरेगा का बजट बढ़ाकर जो रूरल डिस्ट्रेस है उसको कम करने की कोशिश की जाए, और जो रोजगार मनरेगा के सहारे मिलते हैं भले ही थोड़े दिनों के लिए मिले, उसे थोड़ी मदद दी जाए, और थोड़ा पैसा किसान के हाथ में और रख दिया जाए, क्योंकि अभी और कोई बड़ी ऐसी कोशिश सफल होती नहीं दिखी है जिससे कि किसानों की आय बढ़ सके। समर्थन मूल्य बढ़ाने से महंगाई बढ़ती, इसलिए सरकार के वहां हाथ बंधे हुए हैं।